नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में सिंचाई को लेकर के, खास करके जब सरकार आई तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो लंबे काल से डेड पड़ा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे लंबित योजनाओं को, जिसको लॉस्ट इरिगेशन भी बोलते हैं, ह्रसित सिंचाई, जो लॉस्ट इरिगेशन, उसको दोबारा रिवाइव करके, जिसमें मान लीजिए बहुत जगह मिट्टी भरा हुआ है, कुछ और है, ऐसे 17 लाख हेक्टर से ज़्यादा जगह सिंचाई पहुँचाया। पिछली बार जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं बिजली हर एक घर में पहुंचा दूंगा, तो वो प्रॉमिस को पूरा किया। ऐसे उन्होंने प्रॉमिस किया है बिहार के जनता से कि इस टेन्योर में हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और इसमें जो काम चल रहा है, जो विभाग, जल संसाधन विभाग ने इसमें पूरा बिहार में सर्वे कम्प्लीट कर लिया है, और सर्वे कम्प्लीट ग्राउंड पर जाके किया है। क्योंकि जल संसाधन विभाग को लोग यही समझते थे अभी तक कि सिर्फ ये बाढ़ का काम करता है। सिंचाई तो 15 साल जो पुराना सरकार था, कभी समझना चाहिए कि एक इंच सिंचाई में काम नहीं हुआ, जबकि झारखंड भी उस समय था। इसके अलावा मैं जिस एरिया से आता हूँ, पूरा पश्चिमी कोसी नहर हम लोग के जन्म से पहले बनना शुरू हुआ, मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ, और अब नीतीश कुमार जी के सरकार में वो काम पूरा हो रहा है। नीतीश जी की सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है, और अगले बहुत सारा योजना जमीन पर उतर गया है, और अगले 5 साल में आपको जो मैंने कहा कि 30,000 योजना, लगभग 30,000 योजना चयनित करके आ गया है, उस पर काम शुरू हो जाएगा। बिहार में फ्लड मैनेजमेंट में इसी साल जितनी बारिश हुई और जिस तरह से बाढ़ में काम किया गया, नया टेक्नोलॉजी ला करके यूज करना, मुख्यमंत्री खुद कितने जगह जा करके इंस्पेक्ट किए चीज़ों को कि बाढ़ में जहां समस्या हुई उसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है, कोई और तरह का, एक मैं एग्जांपल दे दूं, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है जल संसाधन विभाग का, 90% अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्यूरेट करता है। वो सारा डेटा अब हमारे इंजीनियर ज़मीन पर यूज कर रहे हैं। मैं तो नया नया टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग बाढ़ को का भी प्रभाव को मिनिमाइज कर रहे हैं। कोविड के टाइम में जहां बहुत मुश्किल टाइम था काम करना, फील्ड में जाना, उस समय भी विभाग के लोग और सरकार के तरफ से प्रयास करके कोई ऐसा घटना नहीं होने दिया जिससे कि बाढ़ से कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाए। क्योंकि नदी जोड़ो योजना जो है, अभी मुख्यमंत्री जी का बड़ा ये हुआ है कि भाई नेपाल का बात तो चल रहा है, जब सॉल्यूशन होगा, लेकिन बिहार में जो बिहार के अंदर की नदी है उसको जोड़ने का हम लोगों को काम करना चाहिए। तो एक हम लोग साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में इस बार लेने वाले हैं, जो वो अंदर की नदी है उसको इंटरलिंक करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़े प्राइड की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है बिहार के लिए और देश के लिए। पहली बार मुख्यमंत्री जी का ही आइडिया था जो हम लोग गंगा से पानी लिफ्ट कर रहे हैं मोकामा के पास बाढ़ के समय में, नॉर्मल टाइम में नहीं, जो बाढ़ में 4 महीना पानी रहता है, उस पानी को उठा करके हम लोग, और यही एक मैनेजमेंट भी है फ्लड का, ले जा रहे हैं यहाँ से राजगीर और वहाँ से गया और वहाँ से बोधगया और वहाँ से नवादा, और ये 4 महीने का पानी ले जाएंगे, इसके लिए स्टोर करके रखेंगे, बाढ़ के समय स्टोर करके उसको ट्रीट करके राजगीर शहर में, गया शहर में, बोधगया शहर में पहले फेज में, और सेकेंड फेज में नवादा शहर में हर एक घर तक पीने का पानी जो गंगाजल होगा वो पहुंचा देंगे। ये काम लगभग पूरा हो गया है, और अगले साल अप्रैल मई तक इसका ट्रायल रन हो जाएगा, पानी हम लोग पहुंचा देंगे। ये पहली बार इस तरह का काम जहां बाढ़ के पानी को उठा करके पीने के पानी में ले जाना, ये पहली बार ये काम हो रहा है, और अगले साल ये काम लगभग 80-90% ये काम पूरा हो गया है। इसी तरह देश दुनिया के हिंदू समाज के लोग पितृपक्ष में तर्पण देने आते हैं गया में, और वहाँ जो फल्गु नदी है उसमें बालू, जो लोग गए होंगे आप लोग देखे होंगे, बालू खोद करके पानी निकालना पड़ता है, उसमें पानी नहीं है, ज़्यादा पानी है खोद करके निकालते हैं तब निकलता है। तो उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और अगले साल पितृपक्ष से पहले वो काम पूरा हो जाएगा, और ये होगा कि आपको 365 दिन 2 फीट पानी उसमें रहेगा। उस पर रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं,
तो पूरे देश दुनिया के लोग जो गया बोध गया आते हैं उनके लिए एक बड़ा चीज वहाँ पर, ये जो सालों भर पानी फल्गु रिवर में रहेगा वो काम की प्रगति भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। और इसी तरह मैंने आपको बता दिया पश्चिमी कोसी नहर जो 62 ईस्वी से जिसका DPR बना हुआ था, 72 से काम शुरू हुआ, वो भी अगले साल तक लगभग वो काम पूरा हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार के दरभंगा मधुबनी के जिले में 2 लाख से ज़्यादा सिंचाई की का पूरा हो जाएगा। सिर्फ खेती पर ही नहीं, जो आपको जर्दालू आम, शाही लीची और जिस एरिया से मैं आता हूँ मिथिला मखाना, उस सबको GI टैग, इन लोगों को तो GI टैग मिल चुका है, मिथिला मखाना को भी अगले 1-2 महीना में GI टैग मिल जाएगा। तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर, क्योंकि बिहार एक लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ सिस्टम है, उस पर सरकार का, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद भी केंद्र में कृषि मंत्रालय देख चुके हैं तो उनका एक डिफरेंट आउटलुक है एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने का, उसका फ़ायदा यहाँ चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे प्रोक्योरमेंट में हो वो दिखाई पड़ रहा है। आपदा में तो यहाँ लूट था, बाढ़ आया, आपदा आया तो लूट मचा दीजिए, इतिहास है पुराना, जब RJD की सरकार थी उन्होंने सिस्टम पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो कहते हैं आपदा में कर दिया। और आज जब फ्लड आता है तो सीधा लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है, जो एरिया फ्लड में डूब जाता है उनका अनाज के लिए, उनके बर्तन के लिए, पैसा के कपड़ा के लिए इमीडिएट रिलीफ जो होता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाता है। या जिस स्केल का कैंप लगा करके लोगों को खाना खिलाया जाता है, 10 आदमी 5 आदमी घर में आ जाए तो लोगों को समस्या रहती है, हजारों लोगों को कैंप में बुला करके खाना खिलाना ये साधारण बात नहीं है। और पिछला जो भी बाढ़ देखे होंगे जिस एरिया में ये रहा है, मुख्यमंत्री जी का प्रायोरिटी रहा है कि आपदा पीड़ित पे बिहार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित का है, हमेशा बोलते रहे, और इन्होंने इसको करके दिखाया तो उनका सारा इंतजाम किया जाता है। नॉर्मल टाइम में तो सब भाषण दे के निकल जाएगा, असली टेस्ट होता है जब असली जो रियल समस्या जनता के बीच में आती है। जिस दिन ये कोरोना हुआ था हम लोग भी नहीं जानते थे ये कोरोना क्या है, ना हमारे बाप दादा ने कभी सुना ऐसा कोई बीमारी है। उस समय तक, आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आज तक जिस दिन कोरोना शुरू हुआ और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है जो मुख्यमंत्री जी शाम में कितना वैक्सीन लगा और एक्टिव केस कितना है, कितने लोग संक्रमित कोरोना से हैं, कोई एक दिन पटना है तो पटना या पटना के बाहर ही है तो जो मॉनिटर नहीं किया, इसका क्या ये हुआ? लोग कहते थे कि बिहार सबसे ज़्यादा सफ़र कर जाएगा कोरोना में, पॉपुलेशन भी है और कोई समस्या होगी तो कितने लोग चले जाएंगे, ये तो लीडरशिप का दृढ़ निश्चय था। इस कोरोना काल में आज कितना बड़े स्केल पर, आपको ये जो मैं बाढ़ की बात कर रहा था, जहाँ कैंप खाने का लगाया गया वहाँ कोरोना का टीकाकरण किया गया, जो बाढ़ प्रभावित एरिया था जहाँ वैक्सीन नहीं पहुँच सकता था वहाँ 9 से जा करके वैक्सीन लगाया गया लोगों को इस बार। और आज 38 एक्टिव केस है बिहार में, जो देश में जितने राज्य हैं स्टेट हैं उसमें सबसे कम है, तो कुछ तो काम किया गया होगा। और लगातार मॉनिटर करते रहे, जो थर्ड वेव से बिहार में बचे इसके लिए, जबकि अभी छठ हुआ, अभी दुर्गा पूजा हुआ, इतनी शादी हो रही है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी का मॉनिटरिंग है और यहीं पर रियल टेस्ट होता है लीडरशिप का।